तो आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि YouTube पे 4000 घंटा वॉच टाइम और 1000 सब्सक्राइबर बढ़ाने का तरीका। तो इस वीडियो को जो है देखना ध्यान से। बहुत ही सारा वीडियो आपने देखा होगा, मगर ये वीडियो में कुछ मैं अलग हट के आपको बताने वाला हूं। तो वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए अब आपसे ज़्यादा टाइम लेंगे नहीं, अब करते हैं शुरू। तो सबसे पहले आपको करना क्या है कि आपको अपने चैनल पर एक बढ़िया सा लोगो लगाना है, ठीक है। उसके बाद जो है एक बैकग्राउंड लगाना है, ठीक है। इससे होगा क्या कि आपका चैनल ऑफिशियल दिखेगा। तो आपके चैनल को जो भी लोग ओपन करेगा तो देखेगा कि यार ये बहुत ही अच्छा चैनल है, ऑफिशियल है, तो आपको जल्दी से जो है सब्सक्राइब कर लेगा, ठीक है। तो सबसे पहला ट्रिक ये था जो कि सब्सक्राइबर बढ़ाने का। और इस चीज़ पे जो है लोग ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये चीज़ जो है करना बहुत ही ज़रूरी होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप समझते हो तो यार बहुत ही अच्छी बात है। बाकी अब चलिए आप बढ़ते हैं दूसरा ट्रिक की ओर। अब दूसरा ट्रिक ये है कि यहाँ पे आपको करना क्या है अपने YouTube चैनल पे, कि आपको जो है अपने चैनल का जो है यहाँ पे नाम देना है, और अपने चैनल पे जो भी चीज़ आप बताते हो उनसे रिलेटेड जो है यहाँ पे कीवर्ड देना है, ठीक है। तो ये जो होता है चैनल का कीवर्ड होता है, तो यहाँ पे ये चीज़ देने से होता ये है कि आपका चैनल जो है सर्च में आता है, और जो भी चीज़ आप बताते हो अपने चैनल पे वो जो है यहाँ पे डालना है उसका कीवर्ड, ठीक है। जैसे कि कॉमेडी होता है, टेक होता है, गेमिंग होता है, तो वो चीज़ यहाँ पे कीवर्ड डालना है, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि रिसर्च टेक न्यूज लिखा हुआ है, ठीक है। बाकी पार्ट टाइम ऑनलाइन जॉब लिखा हुआ है, उसके बाद ऑनलाइन जॉब लिखा हुआ है, ठीक है। क्योंकि मैं अपने चैनल पे अर्निंग से रिलेटेड वीडियो डालता हूँ, ठीक है, और जो भी चीज़ मैं बताता हूँ वो एडुकेशन का वीडियो होता है, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बताता हूँ, सिखाता हूँ, तो वो जो है एक एडुकेशन ही हुआ। तो यहाँ पर जो है आपको करना क्या है कि कीवर्ड देना है, ठीक है। तो ये चीज़ देने से होता क्या है कि आपका चैनल जो है सर्च में आता है, यहाँ पे जो अगर कोई सर्च करेगा तो आपका चैनल सर्च में आएगा। तो ये चीज़ करने से होता ये है कि आपका चैनल जब सर्च में आएगा, अगर कोई भी सर्च करेगा, जैसे कि यहाँ पे देखो होता क्या है कि मैंने एक वीडियो डाला और वो वीडियो जो है सर्च में आ रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले नंबर पे जो है मेरा ही वीडियो आ रहा है, ये वाला आप लोगों ने देखा होगा। ये जीली ऐप के ऊपर मैंने वीडियो डाला था कि उसके अंदर फॉलोवर कैसे बढ़ाना है। तो यहाँ पे जो है 7000 से भी ज़्यादा व्यूज गया है, ठीक है। अब दूसरे नंबर पे आपको करना क्या है कि आप लोग वीडियो बनाते हो, ठीक है, लेकिन वीडियो बनाने से नहीं होता है। वीडियो के अंदर में जो है थंबनेल भी लगाया जाता है, टैग भी लगाया जाता है, ठीक है। उसके बाद डिस्क्रिप्शन भी दिया जाता है, उसके बाद बहुत ऐसा कुछ होता है जो कि वीडियो के अंदर में करना होता है, ठीक है। और वीडियो जब आप बनाते हो तो वो जो है एक अच्छा कंटेंट होना चाहिए, ठीक है, जैसे कि लोगों को यार सही सही जो है जानकारी मिल पाए, और जो कि शुरू से अंत तक वो वीडियो को देखे तो उसका जो है मन खुश हो जाए और आपका वीडियो को लाइक कर दे, ठीक है। तो वहाँ पे इस प्रकार का जो है आपको वीडियो बनाना है ताकि देखते ही बंदा क्लिक कर दे, ठीक है। ये चीज़ होता है थंबनेल से। तो थंबनेल कैसे बनाना है और बैकग्राउंड कैसे बनाना है, लोगो कैसे बनाना है, उस वीडियो का लिंक सब जो है नीचे मैं दे दिया हूँ, मगर अभी जो है पहले इस वीडियो को देखो, ठीक है। तो यहाँ पे जो है अब आ जाता है टैग, ठीक है। तो अगर आप अपने वीडियो में टैग डालते हो तो उसके लिए करना क्या होगा कि आपको जो है सर्च में लिखना होगा, ठीक है। तो यहाँ पे लिखना क्या पड़ेगा कि जो भी वीडियो आप बनाते हो सबसे पहले आपको जो है इसके सर्च बार में सर्च कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है कोई भी चीज़ जो है आप सर्च कर लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है पेटीएम फर्स्ट गेम से पैसा कैसे कमाएं, ठीक है। तो चलिए मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे जो है बहुत ही सारा वीडियो आ जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो है मैंने लिख दिया कि पेटीएम फर्स्ट गेम से पैसा कैसे कमाएं। अब इस पर मैं क्लिक करूँगा तो बहुत ही सारा जो है यहाँ पे टैग मिल जाता है हमें, ठीक है। तो इन्हीं सभी टैगों को उठा के आपको अपने वीडियो में देना है, ठीक है। क्योंकि ये टैग अगर आप देते हो तो आपका जो है वीडियो वायरल हो जाता है, ठीक है। जब वायरल होता है तो आपको भी मालूम है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे वॉच करता है, ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है उसे देखता है, ठीक है। तो होता क्या है वहाँ पे कि अगर उन लोगों को वीडियो अच्छा लगेगा तो आपके चैनल को ओपन करेगा, और वहाँ पे जो है फिर जाके आपके और भी वीडियो देखेंगे, उस पे भी व्यूज जाएगा। अगर आपका चैनल उन्हें अच्छा लगा तो वहाँ पे होता क्या है कि आपके चैनल को सब्सक्राइब कर लेगा। लेकिन मैं एक चीज़ बोला हूँ, आपको अपने चैनल पे जो है बढ़िया सा जो है लोगो लगाना है, बढ़िया सा बैकग्राउंड लगाना है ताकि आपका चैनल ऑफिशियल दिखे, ठीक है। तो ये काम आपको करना है, ठीक है।
अब मैं आपको बताता हूँ कि थंबनेल कैसे बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए जो है मैं वीडियो पहले ही बना रखा हूँ कि थंबनेल कैसे बनाया जाएगा। दोस्तों अगर आप सब कुछ कर लेते हो, टैग डाल देते हो, डिस्क्रिप्शन डाल देते हो, ठीक है, वीडियो भी बना लेते हो, तो जब तक आपका थंबनेल अच्छा नहीं रहेगा तब तक जो है वीडियो वायरल नहीं होगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचेगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि देखिए यहाँ पे जो है बहुत ही सारा आपको जो है थंबनेल मिल जाएगा वीडियो का, ठीक। इसमें बहुत ही सारा कुछ जो है लिखा हुआ रहता है, ठीक, जिससे कि जो देखने वाले हैं उन्हें जो है अच्छा नहीं लगता है, ठीक है, तो वो जो है उन पे नहीं क्लिक करेगा। सिंपल रहना चाहिए, ऑफिशियल दिखना चाहिए, ठीक है। तो ये सब जो तरीका था वो आपको यूज करना है। अगर आपने इतना कर लिया तो 100% आपका चैनल जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा और आपके चैनल पे जो है बहुत ही जल्द जो है 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो जाएंगे और जो है आपके जो है 4000 घंटे का वॉच टाइम भी पूरे हो जाएंगे। बाकी मैं इस चैनल पर आपको आगे समझाता रहूँगा कि किस तरीके से जो है आपको काम करना है यूट्यूब पर, ठीक है। बाकी अगर आप यूट्यूब पर नए हो तो इसके लिए जो है मैं पहले ही से बहुत ही सारे वीडियो में बना रखा हूँ। तो आपको करना क्या है कि सभी वीडियो को देखने के लिए आपको जो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाना है, A to Z YouTube के बारे में जानकारी मैं दिया हूँ, ठीक है। तो उस वीडियो सबको देख लेना जाके, तो आपको जो है समझ में आ जाएगा। तो वीडियो अच्छा लगा होगा तो इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड और भी जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करना। बाकी अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सब्सक्राइब करने से ये फ़ायदा होगा कि आगे मैं इस चैनल पर जो भी वीडियो डालूँगा तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं अगले वीडियो में।